राघव, थैंक यू। मम्मी, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्या शक्तियां हैं? यही हमारी असली पहचान है राघव। तू कोई टेंशन मत ले, जानते हम कौन है? हम नाग और नागिन हैं। क्या? हाँ रघु, हम नागिन हैं। ये क्या बोल रही हो आप? राघव, हमारा वंश नाग नागिन का वंश है। हम कोई साधारण इंसान नहीं है, हम नागिन हैं, नागलोक के वंशराज। तुम भी एक नाग हो और आज तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिलेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं। हाँ बेटा, हम सब नाग नागिन हैं। नाउ यू डोंट वरी, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया है, अब वक्त आ गया है, घर चलते हैं। मेरा कहा हर एक शब्द सच है। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम रघु। चल घर चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने मार दिया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा की यह हालत कर दी थी। पर आज क्या हुआ? आज तुम्हारा अपना सच ही बदल गया। तुम तो खुद ही एक नाग निकले। क्या हुआ राघव? तुम्हारे अपने ही परिवार ने तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा राज तुमसे छुपा कर क्यों रखा? खुद ही सोचो, अगर तुम्हारे अपने परिवार ने तुम्हें तुम्हारे अपने वजूद के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला है, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो भी मेरे बारे में कहा है वो सब सच है? वो लोग मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। झूठी तुम हो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। राघव, it's me, बाबा, it's me। क्या हुआ? आके बैठ। हाँ, are you all right बाबा? मैंने इतनी जोर से आवाज सुनी, क्या हुआ? तू इतना घबरा गई? मुझे बताओ कि मैंने प्रकृति को मारा वो सही किया? क्या प्रकृति ने सच में पापा की हालत की? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहानी में कुछ और भी है जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो? क्या यही सच है कि सच कुछ और है? ये मेरी परनानी की दिव्य पायल है। सच क्या है राघव? सच क्या है? प्रगति गलत नहीं थी। अगर कोई गलत थी तो वो थी महक। प्रार्थना, रघु, उनके दो बेटियां, महक ने उन सबकी जान ली और महक ने मुझे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वो अजय को फिर से जिंदा कर देगी। प्रगति ने अजय को नहीं मारा था, अजय तो हमने पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुआ था। I'm sorry, मैंने तुझे आज तक सच नहीं बोला। प्रगति ने कोई गलती नहीं की थी, कोई गलती नहीं की। हे शिव जी, मैंने जो गुनाह किया था उसकी सजा मेरे बेटे को मत देना। इसका मन अभी बहुत अशांत है, प्लीज शांत करना इसे।
मुझे ये अंगूठी आज किसी भी तरह लेनी है, चाहे जो हो जाए। तुम हो क्या, सही गलत किस रूप में, क्या हो तुम? कभी मुझे मारते हो, कभी बचाते हो, कौन हो तुम? नहीं जानती तुम्हारा असली चेहरा, पर अब मेरी अंगूठी मिल गई है। अब मैं तुम सबको मेरा असली चेहरा दिखाऊंगी, सबको मार दूंगी। हे शिव जी, आपकी जय हो। आपने मुझे मेरी शक्ति, मेरी अंगूठी वापस लौटा दी। संभाल अपने आप को प्रार्थना, इस घर में कोई तेरा असली रूप ना देख ले। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा। त्रिशा, 21
21 साल पहले उन सपोलो के ब्लास्ट में तूने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन मेरी बच्ची, मैं हमेशा ये जानती थी कि एक ना एक दिन जरूर आएगा जहां तुझे जिंदगी में वापस जिंदा लेके आऊंगी। इसलिए तो मैंने तुम्हें इस बर्फ में रखा और इतने साल तक मैं उस नागलोक के द्वार के उस खजाने को खोलने की कोशिश करती रही, क्योंकि वहां है वो मंडला। आज नाग पंचमी की पहली रात है, पूरे चांद की रात, और आज की रात मेरी रात है। जिस मंडला को इन नाग लोगों ने इतने साल बंद करके रखा, अब वो मंडला बाहर आएगा, और त्रिशा, और उसी मंडले से मैं तुझे वापस जिंदा करूंगी। बस 12 घंटे और। इससे पहले के राघव को याद आए कि वो शेषनाग है और उसका ये पुनर्जन्म है, मैं उससे पहले ही राघव को उस खजाने का द्वार खुलवाऊंगी और मंडला को लेके आऊंगी। नहीं, मैं एक मासी जो करना चाहती मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। मैं उन्हें रोकूंगी। मैं फिर से उन्हें किसी को जिंदा नहीं करने दूंगी जिसकी मौत हो चुकी है। जूली, अजय को मेडिसिन देने का, कहाँ पे है लड़की? अजीब लड़की है, अचानक से आती है, अचानक से गायब हो जाती है। क्या कमरे की हालत बना के रखी है, सारे कपड़े बिखरे हुए इसके। जूली के पास प्रार्थना की तस्वीर, इसका बैग देखती हूँ, शायद कुछ और भी मिल जाए। ये तो जूली के कपड़े, उसका, इसका मतलब जूली और कोई नहीं, प्रकृति, प्रकृति है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, इसका मतलब प्रकृति मरी नहीं थी, वो जूली के भेष में हमारे घर पे आई है। मुझे महक को बतानी होगी ये बात। अजय, अजय तुम खुद व्हीलचेयर चला के यहाँ पे कैसे आ गए? क्या हुआ, शौक लगा? ये शौक किसी के साथ शेयर मत करना, अपने दिल में ही रखना। तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम बोल सकते हो, तुम ठीक हो गए अजय। स्वर्णा, तुम यह हक खो चुकी हो, क्योंकि तुम वो स्वर्णा हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, वो तो कोई और ही थी। तुम्हें और क्या करती अजय, मैं मजबूर थी, तुम्हें जिंदा करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जानता हूं मैं, इसलिए मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, और तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकूंगा, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारा ये चेहरा देखता हूं ना, तो मुझे इसमें कातिल नजर आता है, अपने खुद के भाई का, भाभी का, उसकी बेटियों का। वैसे मुझे तुमसे कोई खास उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अगर वो पुरानी वाली स्वर्णा तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बची हो ना, तो मुझसे एक वादा करो कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि जूली ही प्रगति है। पर प्रगति, प्रगति राघव को जान से मार देगी, वो हमारा बेटा है। तुम्हें पता है, यही फर्क है तुम में और उसमें, वो ये अच्छे से जानती है। तुमने, राघव ने और महक ने उसके साथ मिलकर गलत किया है, फिर भी वो राघव के साथ कुछ गलत नहीं करेगी। स्वर्णा, बहुत तबाही मचा ली तुमने, महक के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उसका साथ छोड़ दो। महक कभी किसी की नहीं हुई। नागराज तक्षक, महक कह रही थी कि उसने त्रिशा को एक बर्फीले कमरे में मूर्ति के रूप में संजो के रखा है,
और अब वो उसे वापस जिंदा करना चाहती है, उसके अंदर जान डालना चाहती है, इसलिए वो किसी को ढूंढ रही है। कोई मंडला है। मंडला यानी खजाना। खजाना? कैसा खजाना और क्या है ये मंडला? ये वही खजाना, वही शक्ति है जो महक को चाहिए। प्रगति, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, या यूं कहे कि महाशक्ति की आकृति है। पार्वती जी के तीसरे नेत्र के ऊपर विराजित ये वो शक्ति है जो गहरे से गहरे घाव को भर सकती है, किसी मृत को भी जीवन दे सकती है। अब समझ में आया महक इतने बरसों से इस शक्ति, इस खजाने के पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ, नागराज तक्षक, महक उस खजाने के बारे में कुछ कह रही थी। कहिए, वही खजाना तो नहीं जो मैंने और रघु ने अपने हमारे पुनर्जन्म में हमारी शक्तियां खोने से पहले बंद किया था? नागराज तक्षक, ये नागलोक की धरोहर है। इस पे हमारा कोई हक नहीं, क्योंकि अब हम शेषनाग और शेषनागिन नहीं, ना ही हमारे पास शेषनाग और शेषनागिन की शक्तियां हैं। जानता हूँ तुमने अपनी शक्तियों का, अपने पद का त्याग किया, अपनी मिट्टी, अपने देश, अपने देशवासियों को बचाने के लिए। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास शेषनाग और शेषनागिन की शक्तियां नहीं? नागलोक के राजा और रानी अब भी तुम दोनों ही हो, अब भी तुम ही शिव वरदानी हो प्रार्थना। और जब तक तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, तब तक नागलोक की इस धरोहर, इस खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। नागलोक के कई शत्रु हैं, किसी भी समय कोई दुश्मन इस पर आक्रमण कर सकता है इसे हथियाने के लिए, इसलिए इसकी सुरक्षा तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, जो तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। पर हम कैसे? बताता हूं। अब तुम दोनों को इस द्वार पर एक सुरक्षा कवच लगाना होगा, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो तुम दोनों के रक्त से निर्मित होगा। और एक बार तुमने इस दरवाजे को अपने रक्त से बंद कर दिया तो उसे कोई नहीं खोल पाएगा सिवाय तीन लोगों के, तुम दोनों और तुम्हारा उत्तराधिकारी, तुम्हारा अंश या तुम्हारा कोई वंशज और उसका रक्त। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति रक्षा कवचम संपूर्णम्। पर उस खजाने का द्वार तो कोई खोल नहीं सकता मेरे और रघु के अलावा, तो महक ऐसा क्यों कह रही थी कि उसे वो खजाना मिलने वाला है? वो खजाना कैसे ले सकती है? उसने उस खजाने को पाने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया है? उस खजाने को तो सिर्फ मैं और शेषनाग ही खोल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महक को वो मिल गया है जिसने शेषनाग का पुनर्जन्म लिया हो? ये तो मैं नहीं जानता प्रगति, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि इससे पहले महक उसे ढूंढे तुम्हें अपने शेषनाग तक पहुँचना होगा। पर मैं कैसे ढूंढू उसे? अपने शेषनाग को पुकारना होगा, उससे मिलना होगा, उसे अपनी तरफ करना होगा। आज पूर्णमासी की रात है, यानी पूरे चांद की रात। आज की रात यदि एक शेषनागिन अपने शेषनाग को पूरे दिल से पुकारती है तो वो उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। ये रात पूरे 100 साल में एक बार आती है। नाग पंचमी से पहले की इस रात को तुम्हें पूजा कर 1008 दीप प्रज्वलित कर पूरे दिल से अपने शेषनाग को पुकारना होगा। तुम्हारी इस आत्मा से निकली आवाज को सुनकर से आना ही होगा प्रगति। ठीक है, मैं ये पूजा करूंगी, मैं अपने शेष नाग को पुकारूंगी। हे शिव जी, दीजिए मेरा साथ, दीजिए मेरे हाथों में मेरे शेष नाग का हाथ। राघव, मैं जानती हूँ तुम इतने टेंशन में क्यों हो, और मैं उसका कारण भी जानती हूँ। सुनो, मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ कहीं चलो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलोगे ना मेरे साथ? ये भी कोई पूछने की बात है, चलो चलते।
आज पूर्णमासी की रात है यानी पूरे चांद की रात। आज की रात यदि एक शेष नागिन अपने शेष नाग को पूरे दिल से पुकारती है तो वो उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा से निकली इस आवाज को सुनकर शेषनाग को आना ही होगा। मेरी शेषनाग, मेरे हाथों में तुम्हारे प्यार का जलता दिया, ये तब तक जलेगा जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाते। तुम्हारी शेषनागिन तुम्हें पुकार रही है, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। तुम्हें हमारे प्यार की शक्ति की कसम है, आ जाओ। एमएम हम कहाँ जा रहे? वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? बस थोड़ा सा इंतजार होता है माय स्वीटहार्ट। जहाँ हम जा रहे हैं ना, वो जगह बस जल्दी ही आने वाली है। ए हवाओं, ए फिजाओं, ए घटाओं, मेरे शेष नाक तक मेरी पुकार पहुंचा। मेरे शेष नाक को वापस लाओ मेरे प्यार की डोर से। कितना अच्छा मौसम है, कितना रोमांटिक है। ए हवा, ए हवा, मेरे शेष नाक तक मेरी पुकार पहुंचा। ठीक तो ना? तुम्हारी शेष नागिन पुकार रही है, आ जाओ रघु। तुम्हें तुम्हारे प्यार की शक्ति की कसम, तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। अरे राघव, अचानक क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? राघव क्या हो तुम्हें, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरी नागिन बुला रही है। इसकी नागिन वो तो प्रार्थना है, उसका पुनर्जन्म प्रगति, उसे तो मैंने मार दिया। फिर इसे कौन नागिन बुला रही है, इसकी किसकी पुकार सुनाई दे रही है? रघु कहाँ हो तुम? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जन्म बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम बिछड़ेंगे तो दोबारा जन्म लेंगे। मैंने इस जहान में दोबारा जन्म लिया है,
तुम्हारे लिए, हमारे लिए, और आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना कहाँ हो तुम? कहीं इसको उसका पुराना जन्म याद तो नहीं आ रहा है? राघव, राघव, क्या हुआ राघव? राघव, क्या हुआ? महक, तुमने मेरे परिवार को, तुमने मेरी प्रार्थना को, तुमने मेरे बच्चों को खत्म कर दिया। माय स्वीटहार्ट राघव, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? बंद करो अपना नाटक, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम ही हो, मैंने तुम्हें माँ की तरह माना, इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और तुमने उसका फायदा उठाया। तुमने मेरे ही हाथों, मेरी नाकिन को मरवा दिया। हे शिव जी, हे शिव जी, ये मैंने क्या कर दिया? और राघव, तुमने तो वही किया जो मैंने तुमसे करवाया, अपने ही नागिन को अपने ही हाथों से मरवाया। अरे एक्चुअली तुम्हारे तो हाथ कांप रहे थे, तुमसे तो गोली भी नहीं चली थी, गोली मैंने चलाई थी। तुम्हारी नागिन को मैंने ही खत्म किया। और राघव, तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी अपना पुराना जन्म याद करने में, क्योंकि तुम्हारी नागिन तो गए। सो सॉरी कि इस जन्म में भी नहीं तुम दोनों का मिलन हुआ। महक, तूने मेरे प्यार को एक बार नहीं बल्कि बार बार छीना है, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। अपने प्यार, अपने अतीत, अपने नागिन को याद करो। मेरे प्यार का एहसास तुम्हें पुकार रहा है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये आवाज तो प्रगति की है, लेकिन वो तो मर चुकी है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? नहीं राघव, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैंने इतने साल इंतजार किया इस दिन के लिए, और इन शक्तियों के लिए मैं मेरे हाथ से ये मौका बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मेरा ये दिया बुझने को है रखू। तुम्हें अब तक मेरी पुकार सुनाई नहीं थी, तुम आए नहीं। कहाँ हो तुम रखो, कहाँ हो तुम? रखो, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे रखो, तुम आ गए। प्रार्थना, 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 तुम जिंदा हो? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। प्रार्थना, मैं कितना खुश हो गया तुम्हें देखकर। प्रार्थना, प्रार्थना, बस बहुत खेल खेल लिया तुमने मेरे साथ। अब और कोई खेल नहीं। पहले भी तुमसे धोखा खा चुकी हूँ, अब दोबारा धोखा नहीं खाऊंगी। नहीं प्रार्थना, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है। मैं ही तुम्हारा रघु हूँ, मैं ही तुम्हारा नाग हूँ, मैं ही तुम्हारा शेष नाग हूँ। तुम मेरे रघु नहीं हो सकते। देखो प्रार्थना,
पहले मुझे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैं महक की बातों में आ गया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। महक ही थी जिसने हमें मारा था, महक ही थी जिसने हमारे बच्चों को चला दिया था प्रार्थना, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच दिखाई देगा, तुम्हें अपना रघु दिखाई देगा, तुम्हें अपना शेष नाग दिखाई देगा। मेरे रखो, मेरे शेष नाग। हीरो हीरोइन का मिलन हो गया तो विलेन एंट्री करें? मानना पड़ेगा तुझे प्रार्थना, मर के भी नहीं मरती है, काफी ताकतवर हो तुम। हाँ, मौत को बार बार धोखा दे देती हो। जब तक बुराइयों का अंत नहीं होता, अच्छाई मरती नहीं, वो बार बार आती है, और अगर बुराई उसे मार भी देना तब भी वो दोबारा आती है। अपना कर्म, अपना धर्म, अपने दुश्मन को मैं जब तक नहीं मारती ना, मैं तब तक फिर से पैदा होके आऊंगी, बार बार, हजार बार, मैं मर के भी वापस आऊंगी। और इस जन्म में तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम्हारी हर हद, तुम्हारा हर मकसद हम तोड़ेंगे, हम मिलकर तोड़ेंगे। अब नाग नागिन का ये जोड़ा एक साथ आ गया है तुम्हारा अंजाम देने, अपना इंतकाम लेने। जय भोलेनाथ। शेषनाग तो मुझे पहले ही मिला था, नागिन भी मिल गई, अब तो मैं वो खजाने का द्वार खोल के ही रहूंगी। वो तुम कभी नहीं खोल पाओगे। नागमणि को मेरा प्रणाम। राघव, नागमणि का विरोध करना नागमणि का अपमान करने जैसा होगा। लेकिन प्रार्थना, अगर हमने महक पर वार नहीं किया तो वो जीत जाएगी। जीत हमेशा अच्छाई की ही होगी। नाग और नागिन, नागमणि देख के भी छिपे नहीं, अब इन दोनों के जरिए मैं वो खजाने का द्वार खोलूंगी और अंदर मुझे मिलेगी मंडला। इतने सालों से इस खजाने के द्वार को खोलने की कोशिश कर रही हूं, ये द्वार खुले और मैं वो मंडला लूं जिससे मेरी बेटी फिर से वापस जिंदा हो जाए। जादू है इस मंडला में, जादू। एक पत्थर में भी वो जान डाल सकता है। अब इस मंडला से मैं अपनी बेटी को फिर से वापस जिंदा करूंगी।
निकल के हाँ फाइनली मुझे खजाना मिल गया। पर वो मंडला कहाँ है? मैंने सुना है अगर नागमणि की शक्ति सामने हो तो वो मंडला भी सामने आ जाता है। हे नागमणि की शक्ति जागृत हो। मिल गया मुझे मंडला। महक, प्रगति, महक ने नागलों के खजाने का द्वार खोल दिया है। राघव, हमें महक को रोकना होगा। अगर वो मंडला को लेकर यहाँ से चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। होश में आते आते तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। हाँ, मुझे तो मिल गया जो मुझे चाहिए था। पर तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकोगी। मैं तुम्हें लेके जाने नहीं दूंगी। मंडला मुझे दे दो। नहीं, एक मंडला मुझे दे दो। प्रगति, मंडला देके भागो, भागो प्रगति, जल्दी जल्दी। नहीं प्रार्थना, इतने सालों बाद मुझे ये मंडला मिला है, दे दो मुझे मंडला। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। महक, महक यहाँ क्या है? इतने सालों में तुमने कभी बताया नहीं, कौन है यहाँ? यहाँ मेरी बेटी त्रिशा है। इस बेचारे ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी हमें बचाने के लिए। इतने सालों तक मैंने उसके शरीर का एक एक हिस्सा संभाल के रखा हुआ अशिता। हाँ तो स्वर्णा के पास जादुई पायल है ना, और तुम्हारे पास नागमणि, तो क्या इन दोनों की शक्ति से तुम अपनी बेटी को फिर से जिंदा नहीं कर सकती जैसे अजय को जिंदा किया था? अजय को मैंने कभी जिंदा किया ही नहीं था अशिता, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था। वो तो मैंने सिर्फ एक चाल चली थी स्वर्णा को अपनी तरफ करने के लिए। बस अपने थोड़े जहर के जरिए मैंने उसकी सांसें कुछ पल के लिए बंद कर दी थी, और बेचारी स्वर्णा को लगा कि अजय मर गया, और उसको ये लगा कि मैंने अजय को जिंदा कर दिया। और बस वही हुआ जो मैं चाहती थी। स्वर्णा ने हमसे अपना हाथ मिला लिया, और बस मेरी जहर की वजह से वो बेचारा आज तक ना एक जिंदा लाश की तरह है। अगर मैं चाहती तो मैं एक पल में उसे जिंदा कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो स्वर्णा मेरे हाथ से निकल जाती। इतना बड़ा धोखा महक, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने प्यार के लिए मैं अपने भाई के खिलाफ गई थी, तुम तो मेरी दुश्मन हो। अब देखना ये स्वर्णा कैसे विभीषण बनके तुम्हारे लंका में आग लगाती है। अब बस वो वक्त आ गया है, और इस मंडला की शक्ति से मेरी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी।
मंडला की शक्ति जागृत हो रही है। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अश्विता, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरी त्रिशा की शरीर का आखिरी हिस्सा भी जल के राख हो गया। इस मंडला की वजह से उसको तो जिंदा होना था, वो जल के राख कैसे हो गई? ये कैसे हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये मंडला और उस नागिन ने मंडला को बदल दिया और असली मंडला उसके पास है। ये तूने अच्छा नहीं किया नागिन, ये तूने अच्छा नहीं किया।